महंगाई की मार, आटे की कीमतों में जोरदार उछाल, चीनी चावल के करीब पहुंची कीमतें। दरअसल गेहूं की कीमतों में लगातार उछाल जारी है, जिससे आटे के रेट पर भी असर पड़ा है। अब ब्रांडेड के साथ साथ नॉर्मल आटा भी महंगा हो गया है, जिससे आम लोगों का आर्थिक बजट बिगड़ गया है। खास बात यह है कि आटे के साथ चावल की कीमतों में भी इजाफा जारी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह रेट एक साल पहले दर्ज किए गए 31.47 रुपये प्रति किलोग्राम से 17.5% लगभग अधिक है। कीमतों में इजाफे का आलम यह है कि अब आटे की कीमत चावल के 37.96 रुपये प्रति किलो के भाव के लगभग बराबर हो गई है। वहीं चीनी 42.69 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच चुकी है। इसी तरह गेहूं का खुदरा मूल्य भी 12.01% का इजाफा कर चुका है। यह एक साल पहले के 28.34 रुपये प्रति किलो से बढ़कर इस साल 22 नवंबर को 31.70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं जानकारों का कहना है कि इस देश में गेहूं का उत्पादन 106 मिलियन टन कम हुआ है। साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से भी अधिक मांग के कारण वर्ष के शुरू में ही गेहूं और आटे की कीमतें बढ़ रही थी, जबकि सरकार ने इस साल 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में वास्तविक शिपमेंट पिछले साल की तुलना में दोगुने हो गए हैं। अप्रैल सितंबर के दौरान भारत ने 45,53,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान निर्यात किए गए 23,72,000 मीट्रिक टन से अधिक था। इसी तरह आटे का निर्यात भी ज्यादा रहा। अप्रैल सितंबर 2022 के दौरान भारत ने 4,50,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया, जो पिछले साल इसी अवधि में 2,04,000 मीट्रिक टन से अधिक था। इस साल अगस्त में सरकार ने आटे के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। हालांकि इसके बाद भी गेहूं और आटे की घरेलू कीमतों में लगातार तेजी आती रही। वहीं केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक ऐतिहासिक रूप से कम हो गया और 1 नवंबर 2022 तक केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 210,46,000 मीट्रिक टन था, जो एक साल पहले 419,81,000 मीट्रिक टन आंका गया था। इस वर्ष गेहूं के घटते स्टॉक और कम खरीद को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कई राज्यों के लिए गेहूं और चावल के आवंटन में संशोधन किया था। कई राज्यों के लिए केंद्र ने गेहूं की जगह चावल उपलब्ध कराया था। वहीं आपको बता दें कि खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने मीडिया को कहा है कि सरकार ने गेहूं, आटा और टूटे चावल के लिए पहले ही निर्यात नियम लागू कर दिए हैं और इसके परिणाम स्वरूप कीमतें ठंडी हुई हैं। उनका कहना है कि एक साल पहले की तुलना में गेहूं की कीमतों में 10 से 15% की तेजी आई है, लेकिन जिस तारीख को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया उसकी तुलना में यह वृद्धि कम है। आपको बता दें कि निर्यात समेत मई में कई नियम लागू किए गए थे, तब से वृद्धि लगभग 7% रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।